बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ठीक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। तो मैं हूँ मोहम्मद आसिफ, मेरा यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, मोहम्मद आसिफ के नाम से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मेरा जो काम और मेरी वीडियोज़ होती हैं वो गैस स्टोव के रिलेटेड होती हैं, गैस के चूल्हे जो होते हैं वो रिपेयरिंग उनका स्पेयर पार्ट वगैरह के रिलेटेड होती हैं। तो आज मेरे पास एक है डबल जो है ना अपना सादा मैनुअल चूल्हा, तो उसकी जो है ना ये असम्बली ये जाम है और ये असम्बली है डबल चूड़ी वाली। एक असम्बली होती है सिंगल चूड़ी वाली, ये है डबल चूड़ी वाली। और दूसरा जो इसका मसला है, इसके अंदर यहाँ पर जो बटन के लिए जो पेच लगता है वो इसके अंदर टूटा हुआ है और इसका बटन भी नहीं लग रहा, तो पेज इसके अंदर टूट गया है, वो निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसको हम करेंगे चेंज। बताना सिर्फ आपको ये था कि ये डबल चूड़ी और सिंगल चूड़ी वाली असम्बली में फ़र्क, सादा असम्बली में फ़र्क। तो डबल चूड़ी वाली जो असम्बली है वो ये है, ये देखें ऐसे एक चूड़ी ये सप्लाई वाले पैप पे लगेगी और दूसरी चूड़ी जो है ना ये जो काबला लगा है ये पैप जा रहा है उधर सप्लाई के लिए बर्नल की तरफ, तो एक चूड़ी लगेगी इधर। जो आम सादा दूसरी सिंगल चूड़ी वाली जो अपना असम्बली होती है वो थोड़ी सी इस साइड पे जो है ना उसकी जो है ना इस साइड पे वो चूड़ी नहीं होती, उसके अंदर होती है सिर्फ जेट लगाने के लिए। तो इसके ऊपर वो दूसरी सिंगल चूड़ी वाली पे ये चूड़ी नहीं होगी, वो ये असम्बली है। ये देखें ये इस साइड पे इसकी ये अपना जो है ना चूड़ी है और इधर इसकी चूड़ी नहीं है, सिर्फ इसकी अंदर की तरफ चूड़ी है जेट लगाने के लिए, नब्ज़ा लगाने के लिए। तो इसकी है ये डबल चूड़ी वाली, इसको बोलते हैं डबल सादा चूड़ी असम्बली, ये एक सिंगल चूड़ी वाली असम्बली है। तो ये जो चूल्हे हैं जो पुराने मॉडल में बाज़ों का जो है ना ये डबल असम्बली में जो है ना ये सब डबल चूड़ी में जो असम्बली आ जाती है। तो हम इसको करेंगे चेंज। तो हम इसको खोल लेंगे ये जो है ना नट रेंच के साथ, नट खोल के हमने अब इसको निकालेंगे बाहर। ये फ्रंट वाला जो पेज था ये ऑलरेडी हमने खोल दिया था, तो आप ये असम्बली इतनी आ जाएगी बाहर की तरफ। ये असम्बली इसकी और इसका हाल ये देखें, बिल्कुल डैमेज नाकस। ये टफलून वगैरह हमने इसके ऊपर दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से लगा लें, अब हम करेंगे इसको यहाँ पर फिट। तो फाइनली ये हमारी जो सादा असम्बली डबल चूड़ी वाली ये लग चुकी है। पहले आप इस सप्लाई वाले पाइप पे लगाएंगे, उसके बाद जो है ना ये वाला तो आगे वाला पाइप है सप्लाई वाला, उसके बाद ये काबला आप ऐड करेंगे। पहले टफलून धागा वगैरह लाजमी ज़रूर लगाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ये काबला वगैरह और इसकी चूड़ी बिल्कुल फिट कर दी है, आप इंशाल्लाह ये फिट चलेगी। सिमेट्री कर लीजिए, तो अब हम इसको करेंगे चेक और नीचे से इसकी लीकें वगैरह लेटर वगैरह के साथ चेक कर लें, तो सली हो जाएगी, अगर लीक हुआ तो पता चल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चूल्हा बिल्कुल अब सेट है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।